Hi guys, so in this video we are going to discuss if else statements in JavaScript. Okay, बहुत ही famous topic है. हर language में if else statements होते हैं और JavaScript में भी हैं. So I'll just quickly give you one example. हम लोग एक dummy small login application बना रहे हैं जहाँ पे हम user से उसका email और password मांगेंगे. अगर वो सही हुआ तो हम बोलेंगे welcome, otherwise we will say incorrect. ठीक है, और यहाँ पर हम विंडोज का एक विंडोज जो ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे, उसका नाम होता है प्रॉम्प्ट, जिससे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो. जैसे अलर्ट होता है आउटपुट के लिए, वैसे प्रॉम्प्ट होता है इनपुट लेने के लिए. ठीक है, सो वी विल यूज दैट. एंड आई हैव स्विच्ड टू दिस कोड एडिटर कॉल्ड वेबस्टॉर्म, जेटब्रेन्स का है और मेरे को मस्त लग रहा है. सो आई यूज दिस वन. आप भी चाहो तो इसको यूज कर सकते हो. पेड सॉफ्टवेयर है, 30 डेज का फ्री लाइसेंस है. तो आई एम यूजिंग दिस वन, आई एम जस्ट ट्राइंग आउट. सो लेट्स स्टार्ट. राइट नाउ आई हैव जस्ट क्रिएटेड टू फाइल्स, index.html एंड app.js. एंड यू कैन सी html में बहुत बेसिक फिलहाल कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टाइटल एडेड है और स्क्रिप्ट में मैंने बस अपना स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, और अब app.js में सब कुछ अभी खाली है. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल आस्क फॉर द ईमेल. ठीक है, अब ये लॉग इन ऐप काम कैसे करेगा? हम लोग हार्ड कोडेड लॉग इन ऐप बना रहे हैं, मतलब अगर उसका ईमेल आईडी लेट्स से xyz@gmail.com हुआ और उसका पासवर्ड 1234 हुआ, देन ओनली वी विल प्रोवाइड लॉग इन, अदरवाइज वी विल से कि इनकरेक्ट. ओके, सो देयर इज ओनली वन सेट ऑफ ईमेल पासवर्ड्स विच आर करेक्ट. ठीक है, हार्ड कोडेड है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज यू विल क्रिएट अ वेरिएबल बाय द नेम ऑफ ईमेल, इसमें आप ईमेल स्टोर कर रहे हो. देन यू विल राइट प्रॉम्प्ट एंड यू विल गेट दिस सजेशन प्रॉम्प्ट. यहाँ पे यू हैव टू पास अ मैसेज जो यूजर को दिखाई देगा. So you would say enter your email, right? और उसके बाद you'll put a semicolon. Then you will write var password. And यहाँ पे again you will write prompt enter your password, right? Now what you have to do is you have to check whether the input given by the user is correct or not. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सही email क्या है. सही email है abc@campusx.in. ठीक है, और सही पासवर्ड है 1234, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी इनकरेक्ट होगा. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट राइट अ इफ कंडीशन. ठीक है, सो कभी भी अगर आपके प्रोग्राम में देर आर मोर देन वन पॉसिबल सिनेरियोस, व्हाट यू डू इज यू हैंडल इट यूजिंग इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन. ठीक है, सो ब्रांचिंग को हैंडल करने के लिए आप इफ एल्स यूज करते हो. ठीक है, सो प्रोग्राम या तो इस ब्रांच में जा सकता है या फिर इस ब्रांच में जा सकता है, दोनों में साथ में नहीं जाएगा. सो इस पॉइंट पे डिपेंडिंग ऑन यूजर ने क्या इनपुट दिया, दो पॉसिबिलिटीज है. पहला कि उसको लॉग इन देना चाहिए, दूसरा लॉग इन नहीं देना चाहिए. ठीक है, तो वी विल राइट अ इफ एल्स स्टेटमेंट. सो इफ एल्स स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हो? यू राइट इफ, देन यू पुट अ ब्रैकेट एंड देन यू राइट द कंडीशन. ओके, सो ओवर हियर द कंडीशन वुड बी दैट वी विल चेक कि यूजर ने जो ईमेल दिया है, जो ईमेल वेरिएबल में है, इज इट इक्वल टू abc@campusx.in. ओके, इससे हम चेक कर रहे हैं कि आपका ईमेल सही है कि नहीं. बट आई ऑल्सो हैव टू चेक कि उसका पासवर्ड सही है कि नहीं. सो आई वुड राइट एंड पासवर्ड equal to 1234, right? This is the condition. अगर ये दोनों चीजें सही हुई, then only we will say कि तुम्हारा login सही है. So what we will do is, we'll write alert welcome, right? Else, अगर उसने ये गलत बताया, तो we would say alert not correct, या फिर incorrect credentials, ठीक है? And obviously you will have to put some semicolons. So I'll write it like this, and that's the code, guys. This is a very simple example of if else statement. So main isko ek bar run karke dikhata hu. So this is the browser. I'll rerun the code, and you can see sabse pehle mere se pooch raha hai enter your email. To main kuch galat dal raha hu, theek hai? Fir maine okay kiya. Ab pooch raha hai your password. Aur maine okay kiya. Dekho bol raha hai not correct. Okay, I'll try it one more time. Aur is bar main sahi email aur password dalunga. So I'll write abc@campusx.in and password by 1234. Okay, and once I click on OK, it says welcome. So you can see this code is working, right? So what I will do is ek cheez aur guys, yahan pe maine double equal to use kiya, but you already know this, you should have used
ट्रिपल इक्वल टू, बिकॉज पाइप कोहर्शन नहीं होता. एंड सेकेंड यू शुड यूज लेट इंस्टेड ऑफ वॉर, राइट. सो दिस वुड बी द करेक्ट कोड, राइट. नाउ वॉट इफ आई टेल यू कि मुझे इस कोड को माइनर इंप्रूवमेंट देना है, ओके. सो वॉट आई वॉन्ट इज कि अगर यूजर ने ई मेल सही डाला बट पासवर्ड गलत डाला, तो वॉट आई वॉन्ट इज कि आप यूजर को एक और चांस दो अपना पासवर्ड बताने का, ओके. सो यू कैन सी इस केस में वी हैव वन मोर कंडीशन, ओके. सो जब तक दो कंडीशन है, इफ और एल्स हैंडल कर लेगा, बट वॉट इफ दो से ज्यादा ब्रांचेस है, दो से ज्यादा कंडीशन है, इन दैट केस यू विल बी यूजिंग एल्स इफ कंडीशन, ओके. सो वॉट यू विल डू इज यू विल राइट इट लाइक दिस, यू विल राइट एल्स इफ, ओके. और एल्स इफ का कंडीशन वुड बी ई मेल सही होना चाहिए, सो वी विल राइट abc@campusx.in, बट पासवर्ड जो है वो गलत होना चाहिए, ठीक है. सो वी वुड राइट पासवर्ड नॉट इक्वल टू 1234, ओके. एंड वी वुड पुट दिस ब्रैकेट एंड विल जस्ट मेक श्योर कि ये यहां पर आ जाए, ठीक है. और इस ब्रांच के अंदर मुझे क्या करना है गाइस, आई विल फर्स्ट प्रिंट आउट दिस मैसेज कि उसने उसका पासवर्ड गलत है, राइट. सो आई वुड से पासवर्ड इनकरेक्ट, राइट. एंड देन मैं उससे दोबारा पासवर्ड मांगूंगा, सो आई विल राइट पासवर्ड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में आई वुड से एंटर पासवर्ड अगेन, राइट. एंड नाउ मेरे पास यूजर का नया पासवर्ड है, राइट. बट इस पॉइंट पे भी यू कैन सी देर आर टू पॉसिबिलिटीज, नया पासवर्ड सही हो सकता है, नया पासवर्ड गलत हो सकता है, राइट. तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है, यू विल हैव टू पुट इफ एल्स कंडीशन, बट आप ऑलरेडी इफ एल्स के अंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इफ एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स क्रिएट कर सकते हो, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, ओके. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, राइट. सो वॉट वी विल डू इज वी विल राइट इफ पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू 1234, then we will alert out welcome, right? Or I'll just put a semicolon. Else, I will alert not allowed or something like that. Okay, and that's the code, guys. Okay, so आपने एक और kind of case add कर दिया, ठीक है? So let's run this code, and this time around. We will just make sure कि हमारा email सही है. So we would write abc@campusx.in. Enter password, मैंने कुछ गलत डाल दिया. Okay. Password incorrect. Okay किया. Enter password again. So I will write 1234. Okay. And it says welcome. Right. And that is how you will use if else conditions. Okay. मैंने आपको एक छोटा सा example दिया. बट ट्रस्ट में आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.